Hello everyone. So my name is Yamin Ahmed, a first year MBBS student from Silchar Medical College and Hospital. कि NEET 2023 exam 7 मई को over हो चुका है. कल क्या हुआ कि OMR sheet और आज आंसर की चैलेंज के लिए NTA ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है. तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या होगा कि उनका सिलेक्शन इस साल नहीं होगा क्योंकि इंडिया में मेडिकल MBBS सीट्स बहुत ही कम है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बहुत खुश है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट है जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा. वो लोग सोच रहे कि ड्रॉप ले और नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें. इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो स्ट्रेटेजी था और नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैंने कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया, मैंने कौन सा रिसोर्स यूज किया है, इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आपको नीट 2024 को मतलब अप्रोच करना चाहिए. सो लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, मैं पूरी तरीके से डिटेल से बात करूंगा. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2024. सबसे पहला चीज एक थॉट्स है, इधर आप देख सकते हैं, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स योर ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव इज द फियर ऑफ फेलियर. का मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि अगर आप इस बार फेल हो चुके होंगे, नीट 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको यह सोचना नहीं है कि मेरा अगले साल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा. आपको क्या करना है, अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो आपको शुरुआत कर देना चाहिए. आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा. फेल इन नीट 2023 दैट डजंट मीन यू आर नॉट कैपेबल. आप एक बार फेल हो चुके होंगे इसका मतलब यह नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो डॉक्टर बनने के लिए. सो अभी क्या करना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रेशली. 11 मंथ्स, लगभग 10 मंथ्स है आपके पास, नया से शुरुआत कीजिए. ना फर्स्ट ड्रॉप, सबसे पहला मैं बात करूंगा जिनका इस साल फर्स्ट ड्रॉप है, जो 12th के साथ इस बार नीट एग्जाम दिए थे और अभी जो नीट 2024 उनका फर्स्ट ड्रॉप होगा, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है, आप फ्रेशली स्टार्ट कीजिए. थ्रो ऑल द प्रीवियस बुक्स एंड नोटबुक्स, मेक योर ओन नोट्स, स्टार्ट एज इफ यू नो नथिंग एंड फ्रॉम द बिगिनिंग. I know that most of the students have bought the DC Pandey and also the errorless books और बहुत सारे extra books होते हैं जिसमें MCQ दिया रहता है, उन सभी books को हटा दो. आपको उन सभी books को sideline कर लेना है. सिर्फ आपको focus क्या करना है, सिर्फ focus करना है कि इस बार नया से शुरुआत करूँगा. अगर आपने online coaching join किया है या फिर offline coaching join किया है, उस coaching का जो material रहेगा या फिर उस coaching का जो class notes रहेगा वो सबसे ज़्यादा important रहेगा. extra book हटा दो. आपको ऐसा मतलब feel आना चाहिए कि इस बार मैं नया से शुरुआत कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है. आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नया से स्टार्ट कर रहा हूँ. हम नीट 2023 एग्जाम खत्म होने के अभी लगभग 1 महीना खत्म हो चुका है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है. आपको अभी सिर्फ किसी भी एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना है. ज़्यादा टाइम वेस्ट अभी करने से फ़ायदा नहीं होगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, दैट बेस्ट सूट्स यू, मतलब आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर ज्वाइन कर लो, दोनों अच्छा ही है. नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक अपना शेड्यूल बना लेना है, कब लेक्चर देखना है या फिर क्लास कब है, सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है और मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग टाइम फिक्स कर लेना है. नाउ दिस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, दिस आर गोल्डन स्टेप्स टू क्रैक नीट, एंड दिस शुड बी योर टारगेट इन द नेक्स्ट 10 मंथ. आपको ये तीनों चीज बहुत ही बारीकी से करना है, इन सभी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ को. सबसे पहला चीज़ है थ्योरी. आपको थ्योरी, देन क्वेश्चन बॉक्स सॉल्विंग एंड देन मॉक टेस्ट, एंड दिस 3 आर इंटर रिलेटेड. जितना स्ट्रॉन्ग आपका थ्योरी होगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा मार्क्स मॉक टेस्ट में आएगा. सो सबसे पहला बात चीज़ है थ्योरी. आपको थ्योरी कैसे करना है, नाउ क्लास लेक्चर क्लास मेक नोट्स एंड स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, रिवाइज द क्लास नोट्स एंड मेंटेन एंड सॉल्व क्वेश्चंस, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थ्योरी कैसे करना है, क्लास नोट्स या फिर आपको लेक्चर से आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद नोट्स को रात में रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट गेन करना है. अगर किसी भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से उस टॉपिक देखना है, उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ के आपको रात भर रिवाइज करना है. ये और डेली का जो नोट्स होगा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो जिसके वजह से आपको मतलब लास्ट में आपको याद रहेगा आपने क्या चीज़ पढ़ा है. नेक्स्ट इज मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये मैं पहले से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ. अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो लास्ट में आपको रिवाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है. तो आपको लास्ट में रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स से, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सॉल्विंग. क्वेश्चन सॉल्व मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन एंड इंक्लूडिंग PYQ. ऐसा नहीं है कि आपको हर चैप्टर से 400 to 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. आपको हर चैप्टर से 150 to 200 क्वेश्चन करना है. उतना ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है. आपको हर चैप्टर बहुत ऑलमोस्ट 90 चैप्टर्स आपको ख़त्म करना है इन 10 महीने में, और PYQ तो करना ही होगा.
मस्ट है पीवाईक्यू, अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत मुश्किल में फंसोगे, क्योंकि इस बार नीट 2023 में पीवाईक्यू से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू करके आपको जाना ही होगा। एंड ट्राई टू सॉल्व क्लास नोट्स अगेन, अगर क्लास नोट्स में किसी भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को फिर से आपको ट्राई करना है करने के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। अब मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। तो अभी फर्स्ट सेवन टू एट मंथ्स आपको क्या करना है, पार वन मॉक टेस्ट, पार मतलब दो वीक्स में एक मॉक टेस्ट दो, और लगभग बायो का 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर्स, और फिजिक्स का लगभग 2 चैप्टर या फिर 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 2 वीक्स में लगभग 6 to 7 चैप्टर्स खत्म करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। और नेक्स्ट जब नीट का एग्जाम पास आएगा लास्ट का 2 महीना, उसमें आपको इंक्रीज करना है 1 मॉक टेस्ट पर वीक करना है। सो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है, रिवाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड डू नॉट गिव मच अटेंशन टू स्कोर। सो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपना वीक एरियाज पता चलेगा, उसके बाद जहां पर आपका मिस्टेक हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको एनसीईआरटी से रीड करना है या फिर आपका नोट्स है उससे रिवाइज करना है, एंड आपका जितना भी स्कोर्स आ रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। स्कोर्स से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट पेपर में एनालिसिस में ध्यान देना है, क्यों स्कोर्स क्या होगा, बहुत किसी भी टाइम पर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा, उसके बाद बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा। ये देखिए मेरा मॉक टेस्ट का कुछ पेपर से, ये नीट प्रेप का है और ये मैंने आकाश का जो ऑल इंडिया टेस्ट होता है वो भी मैंने दिया था। सो अब बात करते हैं इफ यू आर सेकंड और थर्ड और फोर्थ ड्रॉप, उनके लिए मेरा सजेशन ये है, आपका खुद के पास खुद का नोट्स होंगे आपके 11th 12th या फिर आपने फर्स्ट ड्रॉप में नोट्स बनाए होंगे, तो अभी आपको फिर से नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है और आपको हर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप 12th का जो इकोसिस्टम होता है, जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी होता है लास्ट में, उस पोर्शन को आपको लेक्चर्स नहीं देखना है, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी से रीड लगाना है, सिर्फ आपको लेक्चर्स उन्हीं लेक्चर्स देखना है बायोलॉजी में, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया या फिर ऐसे कुछ लेक्चर्स आपको देखना है, आपको लेक्चर्स सब नहीं देखना है। और जस्ट आपको खुद क्या करना है, आपको सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको कब रिवाइज करना है, कब सॉल्व क्वेश्चंस करना है और कब टेस्ट देना है। ये 3 कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इनकेस एनी डाउट रेफर टू एनी ऑनलाइन लेक्चर, अगर आपको किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चैप्टर आपको डाउट हो रहा है तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स को रेफर करना है आपको। एंड नेक्स्ट इज डो नॉट वेस्ट इन टाइम इन वॉचिंग लेक्चर, मैंने ये बता दिया, जस्ट वन थिंग यू कैन डू, मेक शॉर्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज एंड मोर क्वेश्चंस। तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मतलब टाइम है तो आप सब प्रीवियस ईयर कर लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से ज्यादा फायदा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन सब में आपको ज्यादा टाइम देना है। तो अगर आपका सेकंड और थर्ड ड्रॉप है तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट तो आपको है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बनाना है और पीवाईक्यूज करना है। नेक्स्ट इज टाइम टेबल, मैं ऑनलाइन के लिए टाइम टेबल बताता हूँ कि मैंने ऑनलाइन किया था तो मैं ऑनलाइन के आपको कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है। तो दिन में अगर आपको 1 to 2 आवर पर लेक्चर लग जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स लगता है किसी एक लेक्चर्स को देखने के लिए अलॉन्ग विद नोट्स। सो सुबह क्या करना है, आपको सुबह 1 घंटा क्या करना है, रिवाइज द लास्ट डेज नोट्स और शॉर्ट नोट्स। सुबह आप अगर किसी भी स्टूडेंट्स दिन में पढ़ते हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन ये कि अगर आप जब सुबह उठोगे आपको 1 घंटा रिवाइज करना है किसी भी एक टॉपिक को, लास्ट डेज मतलब पिछले दिन आपने जितने भी जो लेक्चर्स देखा है उसको रिवाइज करना है, और फिर इसको मतलब आपको डिवाइड करना है, मतलब हर दिन एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 दिन बायो पढ़ा, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री को सुबह उठ के 1 घंटा रिवाइज करना है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेक्चर्स देखना शुरू कर देना है, अप टू 4 PM to 6 PM आपको लेक्चर्स देखना है। फिजिक्स सुबह देख लो अच्छा होगा, मैंने फिजिक्स का लेक्चर देखा था, उसके बाद बायो आप मतलब नून में देख सकते हैं, केमिस्ट्री इवनिंग मतलब 2 के बाद, आपको ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट 1 घंटा रेस्ट लो, उसके बाद स्नैक्स लो, एंड देन इवनिंग में क्या करना है, रिवाइज द नोट्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स। आज दिन में जितने भी लेक्चर्स देखा है उनका नोट्स रिवाइज करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को। नेक्स्ट इफ पॉसिबल ट्राई टू सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन, ये मतलब पॉसिबल हो अगर तब करना है, मुझे तो लग रहा है मतलब आपको उतना भी मतलब करने के बाद आपको एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आपके पास उतना एनर्जी नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। तो उसके बाद आज 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप लेना है। नाउ लाइक दिस, वंस यू कंप्लीट द होल चैप्टर, टेक 2 whole today फॉर जस्ट रिवाइजिंग एंड सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ ऐसा करने के बाद आपको अगर सपोज आपने आपके पास आपको 4 डेज लगा है किसी भी एक चैप्टर खत्म करने के लिए, तो आपको उस चैप्टर को रिवाइज किया है, रात में रिवाइज किया है, शॉर्ट नोट बनाया है, फिर आफ्टर 4 डेज द चैप्टर इज बीन कम्प्लीटेड। तो चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद आपको 2 दिन लेना है, 2 दिन क्या करना है, इस चैप्टर से आपको 150 to 200 क्वेश्चन लगाना है और उसके बाद इस चैप्टर कम्प्लीटली आपके मतलब मुट्ठी में हो जाएगा। सो ये मेरा स्ट्रेटेजी ऐसे ही रहता था कि मैं
हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। अगर आप पीडब्ल्यू से कर रहे हो तो पीडब्ल्यू का एक डेली मतलब डीपीपी दे जाता था, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आपके पास टाइम है तो ये करना है। तो मेरे पास डीपीपी नहीं थे तो मैं क्या करता था, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। आपके पास अगर कुछ दूसरा प्लान है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इन डिन डे टाइम वॉच लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। इन दो दिन में आपको लेक्चर्स नहीं देखना है, सिर्फ आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है। आपको दिन में एक लेक्चर्स या फिर दो लेक्चर्स देख लो और उसके बाद रात में आपको सिर्फ लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू कंप्लीट विद इन 9 months, लास्ट 2 months फॉर रिवीजन। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन जाएंगे उनका क्लास तो मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे या फिर 4 PM तक क्लास रहेगा। उसके बाद आपको क्या 1 घंटा रेस्ट लेना है, फिर इवनिंग में जितने भी चीज़ मैंने ऊपर बताया उतना चीज़ आपको करना है। आपको डाउट क्लियर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज नोट्स। उसके बाद 7 to 8 hours आपको नींद लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2024। सिंपली आपको एक चीज करना है, आपको थ्योरी अच्छे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगा मैं बुक्स एंड रिसोर्सेज टू फॉलो। सो अगर मैंने जितने चीज इस वीडियो में बताया तो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर कर देना। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।